मुसलमानों के पैर पत्थर फैलाया था और कांग्रेस ये कहती रही थी कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को संसाधन पर हक देने की बात की, ये नहीं की थी। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह के बयान सामने आने से कांग्रेस को सांप सूंघ गया है, तो प्रधानमंत्री लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पर। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for minorities and I added particularly the minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और कि देश के संसाधनों पर तलाशनों का है और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है। और बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस देश के बहुसंख्यक समाज, खासकर एससी एसटी और ओबीसी से नफरत करती है। ये उनका कहना है, यहाँ पर बयान सामने आया है खुद जेपी नड्डा का। और धीरे धीरे ये मुद्दा अब और ज्यादा गर्माता हुआ और कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं, मतलब उन्होंने एससी एसटी ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीबों इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन है। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके इन प्रकार मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्ष दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की अपेक्षा, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का हक मारा है और अब विरासत टैक्स के जरिए कांग्रेस लोगों की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है और कल लगातार इसको मुद्दा बनाने का एक प्रयास भी हुआ था, बयानबाजी इस पर लगातार हो रही थी। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का हक मारा। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, वैयक्तिक कानून पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात। 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे, यानी महिलाओं का इससे इन कारणों से हुआ था।
अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए तो... और बड़ी खबर लोकसभा है, पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 60% लगभग वोटिंग हुई है और मणिपुर में 3 बजे तक 68% हुई है और असम में 3 बजे तक लगभग 43% वोटिंग और मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी देखिए, उन दिग्गजों की भी तस्वीरें देखिए जिन्होंने आज अपने मताधिकार का किया है इसके आम पास से जो अब ईवीएम में कैद हो गया है और 4 जून को नतीजे आएंगे। दूसरे फेज का ये चुनाव है और ऐसे में ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण स्थितियां बताई किस तरीके से कहां पर अब तक लगभग 3 बजे तक कितना मतदान कहां पर हुआ है वो वोट फीसद भी हमने आपको गिनाया और इसके अलावा तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी चुनाव प्रचार तो खूब किया लेकिन अपने मताधिकार का भी वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेहा शर्मा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इसके एक बड़े कलाकार का इस्तेमाल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने वोटिंग का अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रियंका रवि लवीना कहां पर आप मौजूद हैं और अब तक कितना मतदान हुआ है वहां? मेरठ में मैं आपको ये पोलिंग सेंटर दिखा रही हूँ जहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की वोटिंग देखी गई थी उसी तरीके से कुछ रवैया फिलहाल भी बना हुआ है लेकिन 8 सीटों में जहाँ पर आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज नज़र आ रहा है वो मेरठ का ही नज़र आ रहा है और कारण आप देख रहे हैं कि अभी भी इस वक्त भी तेज़ धूप के बाद जब हल्की सी धूप अब छटने लगी है थोड़ी शाम होने लगी है तो भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि 8 सीटें जो कम से कम यूपी में आज जिनमें चुनाव हो रहा है उनमें मेरठ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा। जी यानी मतदान का जो स्तर है वो बेहतर यहाँ पर हुआ है। लवीना के पास हम जाएंगे, लवीना क्या तस्वीर आप दिखाएंगी, कितना उत्साह मतदाताओं के अंदर दिख रहा है मतदान को लेकर? उत्साह में थोड़ा खलल शिवानी जरूर डाल दिया है और जो तादाद मुझे सुबह बहुत ज्यादा दिख रही थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही है, उसका कारण सीधा सीधा धूप है। हालांकि जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो वो यही कह रहे हैं कि शाम होते होते जरूर हो सकता है लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आप मतदान करने के लिए आए हैं? वोट डाल दिया? लवीना आपके पास हम वापस लौटेंगे, रवि के साथ कुछ मतदाता वहां पर मौजूद है। रवि हम चाहेंगे आप बातचीत उनसे करिए, क्या उनका कहना है मतदान किस तरीके से वो कर रहे हैं, दिखाइए तस्वीर। कोटा की ये जो पोलिंग बूथ है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार और लोकसभा स्पीकर और यहाँ से मौजूदा सांसद ओम बिरला ने भी वोट अपना दिया परिवार के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा भी वक्त वोटरों के बदल कर लेना चाहते हैं और व्हील चेयर के जरिए आई हैं माता जी। कितनी उम्र होगी इनकी, आपकी कितनी उम्र? 76। अच्छा, कुछ तकलीफ है चलने में? हाँ। अच्छा, कहाँ, कितना दूर है घर यहाँ से? यहाँ शक्ति नगर है, मेरा ओम बिरला जी की थोड़ा आगे है। अच्छा, आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया इन्होंने? हाँ, इन्होंने वोट दे दिया। अच्छा, क्या कहना है यहाँ पे कोटा में, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? बेटर ही है, काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ? हाँ, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, हम भाई साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया है, अभी और भी उम्मीद है। वो और उम्मीद है भाई साहब हमारे। जी रवि, तो लोगों ने मतदाताओं ने उम्मीद अब भी लगा रखी है और फिलहाल जो उनका फैसला है वो सुरक्षित हो गया है, ईवीएम में अपना मताधिकार का इस्तेमाल वो करके पहुंचे। अरुण के पास भी हम आएंगे, अरुण क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, वायनाड में इस वक्त मौजूद है एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट। देखिए, पहली बात तो यह कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को अपनी टैली जो है उसको बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है। पूरे देश में बीजेपी को अपनी टैली जितनी सीटें उनको मिली थी उनको सुरक्षित रखना है, लेकिन उल्टा है यहाँ पर केरल में कांग्रेस को सुरक्षित रखना। 20 में से 19 सीटें जीता था कांग्रेस का गठबंधन, एक ही सीट वो हारे थे। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ आपको तो ये जो पोलिंग बूथ है कलपेटा का, यहाँ पर अभी भी मतदाता हैं। हालांकि सवेरे से जो लाइनें लगी थी लगातार बदस्तूर वो थोड़ी सी कम हुई है, मतदाता थोड़े कम हुए हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। सवेरे की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में लोग कई बूथों पर खड़े थे, गर्मी में खड़े थे, मुश्किल हालात में खड़े थे। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज भी आज थी, इसके बावजूद लोग आकर के पहले फर्स्ट हाफ में ही वोट दे करके चले गए हैं। तो केरल की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कांग्रेस के लिए यहाँ अपना किला बचाए रखना बड़ी चुनौती है। भीषण गर्मी है लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग भी ग्राउंड जीरो पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके पास जरूर आते रहेंगे। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा आजकल अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं नरेंद्र मोदी, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे।